नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आई नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। राजधानी जयपुर में चल रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपस्थित होकर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि JLF की शुरुआत तब की गई जब मैं आपकी दुआओं से राजस्थान का मुख्यमंत्री था। कई साल पहले शुरुआत की गई इस साहित्य महाकुंभ की और सफर तय करते करते ये 13वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है। बहुत शानदार तरीके से नमिता जी ने, संजय रॉय जी ने, तमाम उनके मित्रों ने मिलकर इस फेस्टिवल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना स्थान दिलवाया। जयपुर की शान है, राजस्थान की शान है यह फेस्टिवल। देश में दुनिया के अंदर चर्चा होती है, इंतजार करते हैं लोग, तमाम दुनिया के अंदर चर्चा होती है। साथ ही साहित्यकार ये सोच करके एक नया अवसर आएगा तब खुल करके अपने मन की बात कर सकेंगे। मन की बात भी आवश्यक है और काम की बात भी आवश्यक होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 13वां लिटरेचर फेस्टिवल आप सबकी उपस्थिति में हो रहा है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, हमारी सरकार की ओर से तमाम यहाँ पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि 23 से 27 जनवरी तक चलने वाले इस समारोह में साहित्य, संस्कृति और विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं और गोष्ठियों से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। नोबेल, पुकर, पुलित्जर, मैग्सेस और साहित्य अकेडमी जैसे पुरस्कार प्राप्त प्रतिष्ठित लेखकों के शामिल होने से इसका महत्व और बढ़ गया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि दुनिया भर में अपनी महत्वपूर्ण चर्चा पहचान बना चुके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अब तक 5000 से ज्यादा व्याख्याता, वक्ता और 30 लाख से अधिक साहित्य प्रेमी शिरकत कर चुके हैं। इसमें सर्वाधिक तादाद युवाओं की रही है। जैसा कि अभी कहा गया, फेस्टिवल का इंडस्ट्री में भी महत्व ज्यादा ही बढ़ चुका। जो पुस्तक प्रेमी अपने प्रिय साहित्यकारों को आज तक पढ़ते आए हैं उन्हें वे यहाँ रूबरू देख और सुन सकते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मन की बात कहेंगे यहाँ पे भी, वो भी मन की बात कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फेस्टिवल के माध्यम से, इस साहित्यों के महाकुंभ के माध्यम से हो सकता है भारत सरकार में बैठे लोगों की भी भावना पहुँचे वहाँ तक कि देश क्या चाहता है, देश क्या चाहता है, देश क्या चाहता है, और हो सकता है कि कोई नई शुरुआत हो। उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया के साहित्यकार आए, इंटेलेक्चुअल आएंगे देश के विदेश के, और देश के हालातों को चर्चा करेंगे। हो सकता है कि उस संदेश जाए, वो संदेश देश के काम आए। युवा सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर, युवा सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। CA NRC जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, सभी मुद्दों पर चर्चा होती है, यहाँ पर खुल के होती है और अच्छा लगता है। राजस्थान के अंदर भी हम लोगों ने राजस्थान के साहित्यकारों के लिए अलग से फेस्टिवल आयोजन करने का निश्चय किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब प्रतिभाओं को सम्मान मिले, सबको अवसर मिले, ये सरकार का प्रयास है। फेस्टिवल इस वक्त हो रहा है, आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि सही साहित्यकार हो या अन्य सेक्टर के लोग हो, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। आवाज़ दबाना नहीं चाहिए लोकतंत्र के अंदर। असहमति को लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा माननी चाहिए। असहमति को आप राजद्रोह के नाम से अगर पहचान दोगे तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। कल पिंक सिटी प्रेस क्लब में जसवंत सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि यात्रा के दौरान हमने 3 बातें रखी। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या। यात्रा के पीछे हम लोगों ने 3 मुख्य मकसद ध्यान में रखा। नंबर 1, ये जो काला कानून सरकार ने भी बनाया, नागरिकता संशोधन का, इसको सरकार वापस ले। दूसरा, सरकार संसद के भीतर ये घोषणा करे कि वो पूरे देश में NRC नहीं लाएगी, जिसकी घोषणा उन्होंने पहले संसद के भीतर की है। और तीसरा, हाल के दिनों में जो हिंसा हुई है देश में, और खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, उसकी बहुत जल्दी जल्दी न्यायिक जांच कराई जाए ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। मुख्य रूप से ये 3 मांगे लेकर हम लोग चले हैं, और उद्देश्य जैसा मैंने आपसे कहा वो ये है कि जनता के बीच में हम
जाएं, लोगों से बातचीत करें, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें कि इसमें क्या खतरनाक बातें हैं। तो मैं अब बिंदुवार उसका जिक्र करूंगा आपसे। नंबर एक, हम मानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जो सुनवाई हुई, तो एक बहुत बड़ा जो मौका था सुप्रीम कोर्ट ने उसको कल खो दिया, इसका हमें खेद। सुप्रीम कोर्ट कल रोक लगा सकती थी नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर, और अगर कल ये रोक लग जाती तो कल से ही पूरे मुल्क में अमन चैन और शांति का माहौल बन गया होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा और 4-5 हफ्ते के लिए इसको मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, हम सब जानते हैं कि देश की उच्चतम संस्था है न्यायालय की, और उसकी जिम्मेदारी केवल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज की नहीं है, एक सोसाइटल जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।